जय हिंद गाइस। इसके पहले हमने जो बेबी कर्व मेथड के बारे में जो है पीजीटी मैथ में डिस्कस किए है ना, और आज एक क्वेश्चन और देखेंगे और पीजीटी के लिए आईआईटी मेंस की जो चैप्टर वाइज बुक है उसको पढ़ते जाना। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक देखेंगे और बेबी कर्व मेथड का। दैट एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस वन अपान में टू माइनस एक्स एंड ग्रेटर देन जीरो है। ओके, तो इनमें एक्स के जो स्थान है वो डिफरेंस है ना। सो डिफरेंस होने के कारण हम इसमें जो क्या करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस वन अपान में टू माइनस एक्स। ओके, और हमने बताया कि जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये चेंज हो जाएगी है ना। सो इसको जीरो से ग्रेटर ले, ये चेंज हो जाएगी। अब इसमें से ये टू माइनस एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस वन कुछ इस टाइप में जो है ये बनेगा। ठीक, एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस वन और इसको चेंज कर देंगे तो एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारी जो है इक्वेशन जो ये बन करके रेडी हुई। अब इसके हम फैक्टर करें तो एक्स माइनस वन का फैक्टर एक्स की वैल्यू वन एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू वन अपान थ्री एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आई है ना। अब बेबी कर्व मेथड इसमें अप्लाई करें तो बेबी कर्व मेथड के लिए क्या होता है कि वन यहाँ पर कहीं होगा एंड वन बाई थ्री यहाँ पर होगा कहीं एंड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर। अब इसमें बेबी कर्व मेथड लगाएंगे ऐसे ये है ना, और हमने बताया था कि इधर से प्लस की तरफ से शुरू करते हैं, प्लस माइनस। ओके, अब जो न्यूमरेटर में वहाँ पर डॉट और जो डिनोमिनेटर में वहाँ पर सर्किल, सो न्यूमरेटर से वैल्यू हमारी वन और थ्री आई है तो यहाँ पर होगा डॉट है ना। लेकिन एक बात, यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हर जगह क्या होगा, सर्किल होगा। क्या होगा, सर्किल। सर्किल का मतलब क्या होता है कि हम जो है ओपन इंटरवल लेंगे है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, x के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वन अपान थ्री से वन, मतलब इसके इसके बीच की और ओपन इंटरवल यूनियन टू से और इनफाइनाइट के बीच में ये। ओके, सो ये हमारे x के जो है रूट्स हमारे मिल गए। ठीक, तो इस प्रकार से इसको जो हम सॉल्व कर सकें। ठीक, तो ये बेबी कर्व मेथड जो है इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट, इसमें मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स के प्लस वन इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू जीरो, माइनस के इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स फाइंड के, हैज रियल रूट्स फाइंड के। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो जीरो के जीरो से बड़ा या बराबर होगा, यही रियल रूट्स, क्योंकि दो होते हैं या तो इक्वल आएंगे या तो जो है डिफरेंस आएंगे। तो रियल रूट्स ओनली कहे तो हम ये कंडीशन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू जीरो ये है ना।
सॉरी यहाँ जीरो ही रहेगा। अब हम डी निकालें तो डी हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी क्या है के प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन है और ये माइनस का के। तो और कंडीशन रियल रूट्स के लिए ये लगेगी है ना, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के माइनस माइनस प्लस फोर के, ये हमारा जो है इक्वेशंस बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर फोर टू कितना हो जाएगा, एट, फोर टू एट के, ठीक। यहां पर थ्री ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं थ्री, तो यहां ए हमारा थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री, ओके। ये फोर थ्री या ट्वेल्व के, कितना ट्वेल्व के। अब ये के स्क्वायर ऑफ ट्वेल्व टू कितना हो जाएगा, फोर्टीन के हो जाएगा, ठीक। खैर वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको समझ लीजिए तो सेम वैसे ही है, लेकिन हम सोचिए थोड़ा नंबरिंग यहाँ पर हो जाए इसलिए हमने थ्री ले लिया। फोर्टीन के प्लस वन, ये हमारी इनइक्वालिटी जो है बन रही है। अब इसका फैक्टर नहीं हो रहा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसको हम जबरदस्ती फैक्टराइज करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। जबरदस्ती फैक्टराइज करने का मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इसमें अप्लाई करेंगे, धारा चार जिसे कहते हैं, तो माइनस बी फोर्टीन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 196 माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, ओके, ये भी वन है ये भी वन है, अपान में टू ए, टू ए, ए कितना है वन, सो माइनस फोर्टीन प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आएगा, टू नाइन वन अपान में टू। अब इसका रूट निकालेंगे तो रूट कितना मिलेगा हमें, टू एट जा सॉरी टू नाइन जा एट्टीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू वन जा, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा, टू थ्री जा और थ्री वन जा, है ना, ये और ये पेयर बन रहे हैं, तो टू टू जा फोर, टू जा एट, एट रूट थ्री बनना चाहिए, ओके। तो ये हमारा माइनस फोर्टीन और प्लस माइनस कितना बना, एट रूट थ्री, एट रूट थ्री है ना, यानी एट का जो है एट रूट थ्री अपान में टू। सो इसको जो है अगर हम के की वैल्यू अलग अलग फाइंड करें, सो फोर्टीन माइनस का अब प्लस एट रूट थ्री अपान में टू, तो दिस इम्प्लाइज दैट, या यहीं पर कर लेते हैं, टू एल कॉमन आएगा तो ये बचेगा माइनस का सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ओके। और नेक्स्ट माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर माइनस का सेवन माइनस फोर रूट थ्री ये आएगा, ठीक। अब हमें के की वैल्यू वही जो है लेना है, ठीक, जो जीरो से बड़ी या बराबर, लेकिन हम यहाँ पर जो क्या करते हैं क्लियर नहीं कर पाते, मान लो ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा है और हमको ये क्लियर नहीं है कि ये इसमें से जो क्या इसकी वैल्यू आएंगी, ठीक। ठीक है, तो इसको हमने अल्फा इसको हमने बीटा मान लिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम जो है बेबी कर्व मेथड में ऐसे लगाते हैं,
यहाँ पर अल्फा ले लिया, यहाँ पर हमने बीटा ले लिया, ओके। सो बड़ी देख लेना यही होगी, है ना। सो अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ ले लिया, ये तो हमें क्लियर होगा कि बड़ी यही आएगी शायद, और ये छोटी आएगी। सो अल्फा और बीटा हमने लिया, अब बेबी कर्व मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन है, और दोनों किस में है, न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में है। सो यहाँ पर हम डॉट लेंगे, और डॉट का मतलब होता है कि क्लोज इंटरवल के अंतर्गत जो है पूरे आएंगे। तो इधर से मतलब ये हमें लेना पड़ेगा। सो के जो बिलोंग करेगा वो हमारा माइनस इनफिनाइट से बीटा और क्लोज इंटरवल यूनियन अल्फा लेंगे। सो क्लोज इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी, और इधर ओपन इंटरवल। तो इसके इस प्रकार से जो है रूट्स हमारे फाइंड होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अब एक मॉडुलस से देखेंगे, बेस मेन समझना है, फिर तो क्वेश्चन अपने आप पीजीटी करोगे। दो तीन महीने में बेस जो पूरा नोट करते जाना, और देखते रहना वीडियो, देखना कितना जो है इजीली हम इसको जो है मतलब करेंगे कि आप मार है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये कैसे तुम जो है बिल्कुल इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मॉडुलस रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री, ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कह देगा कि जो है x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो x के लिए तो तुम चेक कर लोगे रख करके, जिसके लिए जो है सेटिस्फाई हो जाए वही जो है क्या है इसके x के जो है रूट्स होंगे, है ना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे आएगा कि इसे जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसे एक्स में रख करके चेक कर लोगे, लेकिन इसमें अल्फा बीटा हो इसके रूट्स है। इफ इसके रूट्स जो है अल्फा बीटा हो, तो हमसे कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कीजिए, है ना, या अल्फा माइनस बीटा फाइंड कीजिए, ऐसे कुछ आएगा। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, तो ये पहले आपको जानना जरूरी है कि आप जानते कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। यहाँ वन होगा, मॉडुलस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर मॉड के अंदर हो तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव मतलब होना पड़ेगा। जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो ये एक्स आएगा, माइनस एक्स है तो ये एक्स आएगा, है ना, और माइनस रूट टू है तो ये इसका मॉड हटेगा तो ओनली रूट टू आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। मतलब मॉड के अंदर जितनी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे जो है मॉड के अंदर दे दिया अल्फा माइनस बीटा, अब ये हम जो है इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जो है इसमें पॉजिटिव होगी, कौन निगेटिव होगी, कौन बड़ी होगी, कौन छोटी होगी। तो इस प्रकार कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैथड लगाते हैं, और वो मैथड ये होता है कि जब अल्फा हमारा बीटा से बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा होगा, और जब बीटा हमारा अल्फा से बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा होगा, और जब अल्फा हमारा बीटा के इक्वल है ना, तब क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। या यहाँ भी ऐसे कर सकते हो, ये इक्वल का साइन इसे न लगा करके। तो हमारे पास ये कंडीशन होती हैं, एक फार्मूले के तौर पे याद कर लेना, या मॉड ऑफ एक्स है तो इसको अगर तुम बनाओगे तो जब एक्स जीरो के बड़ा या इक्वल होगा तो यहाँ एक्स होगा, जब एक्स हमारा जीरो से छोटा होगा तो माइनस एक्स होगा। तो इसको एक फार्मूले के तौर पे याद रखना। तो मॉड मतलब ये जो है कंडीशन लगा करके सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो इसको हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इनको नोट कर लेना, और मॉड को की वैल्यूज को हम कैसे जो है सॉल्व करते हैं, और मॉडुलस इक्वेशन जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आप लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, क्योंकि मॉड में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन इसके रूट्स जो है अगर निकालेंगे तो या तो एक भी नहीं आ सकते, या दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, या जो है
दो ही आए या एक भी आ सकता है, ये इनमें जो खासियत होती है मॉड वालों में, ठीक है। तो ये हम फिर चेक करेंगे ना, चेक करने पर क्या आ रहा है। सो हम यहाँ पर x माइनस वन लेते हैं, x माइनस वन मॉड में है तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि हम x जब हमारा वन से बड़ा है तो हमारा x माइनस वन होगा, और इक्वल भी ले लेंगे तो यही होगा, और जब हमारा x x हमारा क्या है वन से छोटा है तो वन माइनस एक्स होगा, है ना। अब ये कंडीशन इसमें लेंगे तो पहले व्हेन x हमारा वन से बड़ा या इक्वल है तो हम यहाँ पर रखेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस, ये x हमारा वन या वन से बड़ा है तो क्या आएगा x माइनस वन, अब मॉड हट जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, ये हमारा जो है बन करके इक्वेशन रेडी हुआ। अब इसके रूट्स नहीं आ रहे हैं तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसके रूट्स जो हमें मिलेंगे इसके रूट्स तो वही जो है धाराचार अप्लाई करेंगे तो इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर ए सी, वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन, और ये हमारा बनेगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन अपान में टू, तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सेवनटीन अपान टू। सो यहाँ से एक x की वैल्यू हमारी आई है माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवनटीन अपान टू, और एक हमारी x की वैल्यू आएगी माइनस वन माइनस अंडर रूट सेवनटीन अपान टू, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेने पर। सो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर निकल करके आ चुकी हैं। अब हम चेक करते हैं हमें वही वैल्यू लेना है, वही हमारा आंसर होगा जो एक्स के लिए मतलब वन से क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल होगा। सो इसको चेक करेंगे तो आप चेक कर लेना है, फोर फोर जा वो सिक्सटीन, ये फोर पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, अब फोर में से वन माइनस करें तो थ्री पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, टू से डिवाइड करें तो टू वन जा टू मतलब वन से ज़्यादा आएगा, तो ये तो हमारा आंसर जो है इसके लिए होगा, है ना ये। लेकिन इसको चेक करेंगे तो ये हमारा जीरो से वन से छोटा आएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसमें रूट्स की वैल्यू जो है हम वो मार्ट के लिए वैल्यूज निकालते हैं। तो एक आंसर तो मिल गया, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, नेक्स्ट कंडीशन इसमें लेंगे हम व्हेन एक्स हमारा क्या है वन से छोटा है, तो वन से छोटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन छोटा के लिए x माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे वन माइनस एक्स लिखेंगे, वन माइनस एक्स और मॉड हट जाएगा और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो लिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू इज इक्वल जीरो, अब इसके फैक्टर हो रहे हैं टू वन जा टू, टू में वन गए वन तो ये तो बिल्कुल हो रहा है इसका फैक्टर। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, सो एक्स माइनस टू यहाँ पर प्लस होगा, है ना, और एक्स प्लस वन, हमारे पास दो फैक्टर जो है आ गए, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी टू, एक एक्स की वैल्यू माइनस वन, ओके। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू दो निकल करके आ गई, लेकिन हमें आंसर में क्या लेना है जो वन से एक्स की वैल्यू वन से छोटी हो वही हमें लेना, तो वन से छोटी क्या है माइनस वन, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा माइनस वन होगा, ठीक है, वन से छोटी एक्स की वैल्यू। सो ये वन से छोटी है इसलिए हमारा आंसर ये होगा, और ये वन से बड़ी है तो ये हमारा आंसर एक्स के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको इजली जो है सॉल्व कर लिया, है ना, इसके रूट्स निकाल लिए। तो इस प्रकार से मॉड वाले जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो एक ये है सॉल्व, और इसके रूट्स निकालना है x माइनस वन है और मॉड लगा है माइनस टू और x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, ये कुछ इस टाइप्स में है, ओके।
तो ये कुछ इस टाइप्स में है। तो अब इसमें दो दो मार आ गए तो क्या करेंगे, तो दोनों के लिए हम कंडीशन बनाएंगे। ओके, पहले जब एक्स हमारा वन से बड़ा या बराबर है तब एक्स माइनस वन आएगा, और जब एक्स हमारा वन से छोटा है तो वन माइनस एक्स आएगा। दूसरे कंडीशन में जब एक्स हमारा टू से बड़ा या इक्वल है तो एक्स माइनस टू आएगा, और जब एक्स हमारा जो है टू से छोटा है तो टू माइनस एक्स आएगा। ये दोनों कंडीशन बनाया, अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो व्हेन एक्स हमारा जब वन से बड़ा ठीक या इक्वल है, एक्स हमारा जब वन से बड़ा या इक्वल है सो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो एक्स माइनस वन ये तो लेंगे माइनस टू, लेकिन एक्स माइनस टू में देखो ये वन एक्स वन या वन से इक्वल लेना है, लेकिन यहाँ पर एक्स हमारा टू से छोटा है ना, एक्स हमारा क्या है टू से छोटा है, और टू से छोटा होने के कारण जो है हम यहाँ पर क्या लेंगे एक्स माइनस टू लेंगे, तो टू माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारा एक्स टू से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर कहा है एक्स की वैल्यू वो लेना है जो वन या वन से जो है छोटी हो, तो यहाँ हम टू की वैल्यू क्या लेंगे भाई इससे छोटी होनी चाहिए, तो एक्स माइनस टू माइनस एक्स लेंगे, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें वन है और टू है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान समझना, इसमें ऐसे लिखते हैं, मान लो यहाँ पर टू है और यहाँ पर वन है ना, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वन से छोटी आएगी, क्या आएगी छोटी ठीक, यहाँ पर इसके इसके बीच में आएगी ओके, और यहाँ टू से बड़ी ठीक। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं कि एक्स की वैल्यू जब एक से छोटी हो, तो एक से छोटी अगर एक्स की वैल्यू है तो एक से अगर छोटी तो फिर दो से भी तो छोटी होगी, सो हमारे पास ये बनेगा वन माइनस एक्स एंड माइनस टू, ये टू माइनस एक्स टू से भी छोटी होगी एंड इज इक्वल टू थ्री, वन माइनस एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। सो इसको सॉल्व करने पर टू में से वन गए यानी एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल थ्री, एक्स इज इक्वल टू यहाँ जीरो मिलेगा, तो हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो मिला, हमें वही जो है यहाँ पर आंसर लेना है जो एक्स की वैल्यू वन से छोटी हो, वन से क्या हो छोटी। तो यहाँ पर नहीं ये उधर जाए सिक्स आएगा है ना, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया फेल हो गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम इसमें लेंगे, एक्स वन से बड़ा या बराबर हो लेकिन टू से छोटा हो, ये कंडीशन लेंगे इनके के बीच में है ना। पहले में एक्स जो है वन से बड़ा या बराबर हो एक्स माइनस वन बनेगा, यहाँ पर एक्स माइनस वन माइनस टू, लेकिन टू से छोटा होने के कारण ये कंडीशन आएगी टू माइनस एक्स और इज इक्वल टू थ्री, सो एक्स माइनस वन माइनस फोर प्लस
2x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा बनेगा 2 1 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 बाई 3। ठीक, अब हमें x की वो वैल्यू लेना है जो 2 से छोटी हो लेकिन 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये 3 2 6, 3 2 6 एंड पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो ये 2 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो 2 से ज़्यादा होने के कारण ये भी हमारा आंसर जो है नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन इसमें चेक करेंगे, तो नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी वो 2 से बड़ी लेना है, 2 से क्या लेना है, बड़ी। तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी हो, ये तो 2 से बड़ी होने के कारण अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 1 से भी ऑलरेडी बड़ी होगी, है ना। सो x माइनस 1 एंड माइनस 2, 2 से बड़ी होने का x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 2 में से 1 गए माइनस x, 4 में से 1 गए प्लस 3 इज इक्वल टू 3, सो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0, है ना। तो हमें वो वैल्यू लेना है जो 2 से बड़ी हो, लेकिन ये 2 से छोटी आ गई तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से मॉड वाले जो हमने बताया कि आंसर एक भी नहीं हो सकते, एक भी हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मॉड वाले में ऐसी कंडीशंस बना करके जो इनको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू x माइनस टू, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 हैं हमारे, एक ये 1 है एक 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ पर हम जो है 1 लेते हैं, है ना। अब हमें यहाँ पर वैल्यू छोटी लेना है 1 से, यहाँ पर बीच की लेना है और यहाँ पर 2 से बड़ी लेना है। ठीक, तो हम कंडीशंस बना लेंगे, जब x जो है हमारा 1 से बड़ा हो तो x माइनस 1 या इक्वल हो, और x 1 माइनस x ये हमारा 1 से छोटे के लिए। दूसरा, जब x हमारा 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 और इक्वल है, और जब हमारा x जो है 2 से छोटा है तो 2 माइनस एक्स बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले छोटे लेना है, तो x हमारा क्या है, 1 से छोटा, तो जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटा होने के कारण क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स, है ना। तो जब हमारा x 1 से छोटा है तो 2 से तो बिल्कुल छोटा होगा, है ना, तो x 2 माइनस एक्स। अब ये x से x कैंसिल, तो 1 इज इक्वल 2 आ गया। बताओ यहाँ पर x की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, फेल, कोई आंसर इसमें नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन, जब हमारा x क्या हो, 1 से बड़ा या बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो, तो 1 से बड़ा या बराबर के लिए x माइनस 1 ही लेंगे, है ना, और 2 से छोटा के लिए कंडीशन क्या लेंगे, 2 माइनस एक्स लेंगे। सो ये हमारा x से x इधर आएगा तो 2x, और ये हमारा उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 1 जा 2 2 5 1.5 समथिंग आ रहा है। सो हमारे x की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके बीच में, तो ये आ रहा है 1 से ज़्यादा भी है और 2 से कम भी है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका केस थर्ड, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड लेकर के चेक करना। थर्ड जो है, जब हमारी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 से क्या हो, बड़ी हो, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 1 से तो बिल्कुल बड़ी होगी,
तो 1 से बड़ी होने के लिए x माइनस 1 लिखेंगे और 2 से बड़ी होने के कारण जो है x माइनस 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो x से x कट गया तो क्या बचा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये भी हमारा आंसर फेल हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका एक ही आंसर आया जो 3/2 हमें मिल रहा था। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें से तुम्हें इसके लिए भी कंडीशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हमारा होगा वो एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स जब हमारा 0 से छोटा है तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कंडीशंस लेंगे। ठीक, तो इसमें हम कंडीशंस लेंगे, जब हमारा एक्स जो है क्या है 0 से बड़ा या बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा या बराबर, सो इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये हमारे फैक्टर आएंगे, और इसमें हम बेबी कर्व मेथड लगाएंगे। तो बेबी कर्व मेथड लगाने के लिए दोनों न्यूमरेटर हैं, तो हमने बताया था कि एक हमारा 1 आएगा और एक माइनस 1 आएगा, तो इनके बीच में हम जो है बेबी कर्व मेथड लगाएंगे और यहाँ से प्लस माइनस प्लस ऐसे लेंगे, और दोनों न्यूमरेटर में हैं और इक्वल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डॉट लगेगा, क्या लगेगा, डॉट। डॉट का मतलब हम इनको भी लेंगे तो हमारा एक आंसर जो यहाँ से यक्स का बनेगा वो बनेगा माइनस इनफिनाइट से माइनस 1 यूनियन, और एक बनेगा हमारा 1 से लेकर के कितना इनफिनाइट तक, 1 से लेकर के इनफिनाइट तक, लेकिन हमें 1 लेना है, ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा, है ना, और ये 1 भी लेना है, सो यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा 1 से इन्फिनिटी, तो और या इधर ओपन इंटरवल। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इसके जो है रूट्स निकालिए, तो x के जो रूट्स होंगे ये होंगे। ठीक, ध्यान रखना, अब यहाँ अगर किसी को डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, जो पिछले स्टार्टिंग से हमने जो पढ़ाते चले हैं क्रमवार देखेंगे तब समझ में आएगा, ये का बेस जो है कैसे क्या होता है पीछे पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और डिस्कस करने के बाद जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए पहले पीछे का जो है वीडियो देखो जो पहले डाल चुके हैं तब समझ में आएगा। नेक्स्ट इसके लिए दूसरी कंडीशन लेंगे, तो इसके लिए ये रूट्स आए हैं ना, अब जब यक्स हमारा 0 से छोटा है तो 0 से छोटा होने के कारण क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 से छोटा है तो यहाँ से एक्स की रूट्स क्या निकल के आएंगे, यहाँ से एक्स के रूट्स आएंगे निकल करके 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और ये 0 से छोटा है। ठीक, और x की वैल्यू यहाँ से एक 1 आएगी, है ना, और यहाँ से एक x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, ये इसमें भी सेम आ रहा है। सो यहाँ से बेबी कर्व मेथड लगाएंगे, दोनों उसमें हैं न्यूमरेटर के ही हैं, लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो इसमें सर्किल लगेगा, क्या लगेगा, सर्किल, और बेबी कर्व मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, और सर्किल का मतलब होता है कि हम जो है इनके इनके बीच की वैल्यू लेंगे, सो हमारा यक्स जो आएगा, मान लो यहाँ 1 है यहाँ माइनस 1 है, तो यक्स हमारा क्या आएगा, इनके इनके बीच के मतलब ओपन इंटरवल होगा माइनस 1 से 1 के बीच में, तो इसका आंसर हमारा यही होगा जो ओपन इंटरवल के अंतर्गत आएगा। ओके, सो इस प्रकार से हमारे जो है हमने इनको जो है डिफाइन कर दिया, और इस प्रकार से हमारे दो आंसर जो है निकल करके आ गए हैं। ठीक, ओके।
अब हम इनको जो है क्या करेंगे, रख करके चेक करेंगे, ठीक। इनको रख करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो एक हमारे ये आंसर आया था और एक इसमें से एक क्या आया था, एक आया था इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन आया था, ठीक। और यूनियन एक क्या आया था, वन से इन्फिनाइट आया था, वन से इन्फिनाइट आया था, है ना जी। इस प्रकार से एक आंसर आया था, एक ये आया। अब हम इनको डिफाइन जो है करते हैं, तो केस फर्स्ट लेते हैं और देखते हैं, ठीक। तो ये दोनों आंसर लिख लेना साइड में और इनको ध्यान रखना। अब इनको देखते हैं, चेक करते हैं इसमें से। तो व्हेन एक्स हमारा क्या है, माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनाइट, है ना, क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनाइट, ये है। तो केस फर्स्ट में हम ये सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स है। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा हुआ, ठीक। सो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस है प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस का फोर हो जाएगा अपान में टू। एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस फाइव अपान रूट फाइव अपान टू। सो एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आएगी वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एंड एक एक्स की वैल्यू आएगी वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो हमारे जो ये आंसर आया था ये वाला, ये क्या आया था, ये किस कंडीशन के लिए थे, जब हमारा एक्स जो है जीरो से बड़ा या बराबर था, है ना। तो यहाँ पर जीरो से बड़ा कौन आ रहा है वो देखेंगे। तो जो जीरो से बड़ा आएगा तो हमारे ये आएगा, क्योंकि ये टू टू जब फोर टू वन थ्री, और थ्री से टू में डिवाइड करें तो वन पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो देखिए पहले कंडीशन के लिए हमने ये इसमें जो है लिया था, ठीक है, जीरो से बड़ा या बराबर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर जीरो से बड़ी आ रही है, तो ये हमारा आंसर एक तो होगा ही होगा इसका, ठीक है। और नेक्स्ट इसको चेक करेंगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस हमारी जीरो से छोटी हो जाएगी, इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा, ओके। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि माइनस वन और वन के बीच में एक आया था, है ना, इसका ध्यान रखना। अभी मैंने इक्वेशन जो है देख लेने, इसको जब सॉल्व किए थे बेबी कर मैथड से, तो उसमें हमने निकाला था ओपन इंटरवल वन माइनस वन और वन, ये हमने सॉल्व किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वन से वन के बीच में जो है आना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच में। तो इसके लिए कंडीशन हमने माइनस वन और वन के बीच में जो लिया था, तो उसमें वैल्यू क्या लिए थे, एक्स हमारा जीरो से छोटा हो। तो जब एक्स हमारा जीरो से छोटा है तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन काहे के लिए है, एक्स हमारा जीरो से बड़ा या बराबर के लिए है। और इसमें जीरो से छोटा है सो वन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू एक्स, ठीक, इज इक्वल टू एक्स। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो इसको इधर ट्रांसफर करने पर ये हमारा क्या बनेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल जीरो, सो डिवाइड कर देंगे माइनस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बना, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर ए सी का मतलब क्या हुआ, वन और माइनस माइनस प्लस का फाइव, फोर ए सी फोर होगा,
ओके क्या होगा फोर, तो ये हमारा और अपान में टू ए, तो ये हमारा क्या होगा माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपान टू, और एक हमारा माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव अपान टू। ओके सो इस प्रकार से हमारे दो जो है इसके एक्स के रूट्स यहाँ पर निकल के आए हैं, और हमें लेना है किसके किसके बीच में, माइनस वन और वन के बीच में लेना है। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ माइनस वन और वन के बीच में, ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है ना, वो माइनस वन और वन के बीच में जो है बीच की वैल्यू लेते हैं। सो इसको चेक करेंगे तो ये हमारा टू टू जा फोर, टू में वन गए वन, यानी वन वन जो है कुछ समथिंग आएगा, मतलब जो इसके बीच में होगा है ना, तो यक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हमें लेना है, जीरो से छोटी, तो ये हमारा रूट फाइव टू टू या फोर, वन एंड टू टू फोर, टू पॉइंट टू कुछ आएगा ऐसे, और टू में से वन माइनस करेंगे तो वन पॉइंट टू और जीरो पॉइंट फाइव, तो ये हमारा जो है जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से क्या आ रहा है बड़ा, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस में आएगी, इसलिए हमारा आंसर जो है ये इसके लिए होगा, समझ रहे हो, तो जीरो से छोटा के लिए। तो एक आंसर हमारा ये आया है और एक आंसर हमारा ये आया, इस प्रकार से इनको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है नोट कर लेना और समझ लेना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं मॉड की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, और ये एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ में भी अच्छे से बहुत अच्छे से जो है दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ इतना मतलब बेसिकली नहीं बताता है, किताबों से जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता जब तक कोई बताए ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। कब आएंगी, जब आप पढ़ेंगे। थैंक यू।